अद्वितीयता, क्योंकि हम लोग तो मूर्ति पूजक भी रहे हैं और अमूर्त पूजक भी रहे हैं, तो अमूर्तता की ये जो अंदर से लगन थी ऐसे पाने के लिए तो वो टाइम ऐसे आया कि वो स्केचिंग के ऊपर इतना पावरफुल, ड्राइंग के ऊपर कंट्रोल, आधी रात को भी बुला के कोई कहता है तो वो धड़ाधड़ कोई कहीं पर भी फियर जैसी बात नहीं थी। सर ये बताइए, लोहिया का अपने समय के इतने महत्वपूर्ण और ज़रूरी लोगों से जो इंट्रैक्ट था, इंट्रैक्शन था, उसकी वजह क्या थी? मतलब तो लोहिया आप लोगों को कैसे आकर्षित करते थे, अपने को कैसे खींचते थे, और लोहिया कैसे आप लोगों को इतना टाइम देते थे? मैं देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर था एक तरह से उस समय में, जो विपक्ष और विरोध था। आपको मैंने बताया वैसे कि मैं तो एक इंफेंट्री कॉम्प्लेक्स जहाँ पे पनपा हो ऐसा परिवार का एक बच्चा है, तो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आत्मश्रद्धा जिसको कहें उसका कोई धरातल था ही, तो धरातल यही था कि सिर्फ ये मेहनत के ऊपर विश्वास रखो और सत्य क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो। उसमें सबसे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ वो बड़ौदा म्यूजियम के अंदर कोई मदर एंड चाइल्ड का, कनु देसाई का पेंटिंग, तो देखने के लिए अलग अलग वर्ग के लोग आए, तो उनका रिएक्शन देखा कि जो न्यूली मैरिड कपल थे उनके रिएक्शन कुछ और थे। एक तरफ खड़ा खड़ा देखता रहता था तो उनकी कमेंट भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो कुछ बुजुर्ग लोग आए वो उनके रिएक्शन कुछ अलग हुए, इसी तरह बच्चा अंदर है वो लोग आए तो उनका अलग हुआ। तो फिर सबसे पहली बार ये रियलाइज हुआ जो एक भावुकता है उसको और कला को मिलाना, वो मेरे हिसाब से कहीं पे इम्प्योरिटी की बात है। तो वो तो फिर तो ये भी पता चलने लगा क्लासिकल म्यूजिक के लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि शब्दों का जब आप गा रहे हैं तो उसका हरमिश के लिए कोई मीनिंग प्रोवाइड करना ऑडियंस वो जरूरी है। उसका आधार तो हो सकता है, मगर अगेन ये आपको ब्रह्मानंद अगर चाहिए तो उसके लिए शब्द का कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ तब वो पहले रियलाइज हुआ कि ये अजंता के कलाकार हो या मिनिएचर पेंटर हो या कोई भी हो, उनको समाज ने जाने अनजान बने बहुत अन्याय किया, उनके प्रचार प्रसार के लिए ही कलाकार का इस्तेमाल किया, मगर उसने ये नहीं सोचा जो फॉर्मूला रूल्स एक संगीतकार के लिए अप्लाई होते थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे कलाकार के। मगर तांत्रिक जो मानने वाले लोग थे उन्होंने तंत्र को ड्रॉ करने के लिए जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ पे कलाकार का यूज़ किया, उससे अलावा कुछ भी आगे बात उसमें नहीं पड़ी। मतलब इसमें इतने ये त्रिकोण चाहिए या इतने एंगल भी ये कट होने चाहिए, लाइनों का पूरा ज्योमेट्री का जो पूरे उपयोग तो रहा ही होगा, वो कभी भी उसको वो एक हद्र खत को पार करके आगे बढ़ने की बातें नहीं। तो ये रियलाइजेशन होता गया, वैसे फिगरेटिव मगर उस समय में इतना स्ट्रांग था